आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके साथ हम ऑन डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन के, रिटन और ओरल कम्युनिकेशन में फ़र्क क्या है, क्या बुनियादी डिफरेंस है। देखिए, जो रिटन कम्युनिकेशन है आम तौर पे इट इज़ फॉर्मल, बट ओरल कम्युनिकेशन जनरली लेस फॉर्मल। रिटन कम्युनिकेशन फॉर्मल होती है और ओरल कम्युनिकेशन लेस फॉर्मल होती है। दूसरी बात यह है कि ओरल कम्युनिकेशन में आपको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिलता है, फौरन जवाब, जबकि रिटन कम्युनिकेशन में आपको जवाब हमेशा कुछ वक्फे के बाद मिलता है, सोचो विचार के बाद मिलता है। रिटन कम्युनिकेशन में अमूमी तौर पे आप ज़्यादा अथॉरिटी और प्रूफ आपके पास होता है ट्रांजैक्शन का, लेकिन यहाँ पर जो ओरल कम्युनिकेशन है इसके अंदर आपके पास प्रूफ नहीं होता, लिहाजा लीगल इश्यूज के मामले में ये लेस वैल्यूड है। ओरल कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबल है, आप बातों को करते करते बदल जाते हैं, लचक रहती है आपके मामलात में, बदल सकते हैं, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन रिजिड है और इनफ्लेक्सिबल है, गैर लचकदार है। ओरल कम्युनिकेशन एक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी आपको समझ नहीं आई सवाल पूछिए फिर जवाब ले लीजिए, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन प्रिसाइज है और बहुत डायरेक्ट है, जबकि ओरल कम्युनिकेशन जो है, हेयर स्पीकर कैन गेट ऑडियंस इंगेज साइकोलॉजिकली, यहाँ आप साइकोलॉजिकली लोगों को इंगेज कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली इंगेज कर सकते हैं, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन थोड़ी लेस पर्सनल है। तो आप कहेंगे सर कैसे साइकोलॉजिकली इंगेज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे देखिए इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन जो है अप्रोक्सीमेटली जो है कोई 33 लोग, इसमें से हर बंदा तो मुझे नहीं सुन रहा, लेकिन चले मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जैसे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ पर एक लड़की पढ़ती थी, तो वो बड़ी खूबसूरत लड़की थी, तो अमूमी तौर पे होता ये था कि वो क्लास में भी पहले आ जाती थी सबसे, पढ़ने का भी उन्हें बहुत शौक था, ठीक है जी। अच्छा, तो अब देखिए मेरी यूनिवर्सिटी में कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ लड़के पढ़ते थे। देखिए कितनी जल्दी तवज्जो आई है, जवाब आ रहे हैं माशाल्लाह, अब सब सुनाएंगे, ये है बात। तो क्या है कि रिटन कम्युनिकेशन में इंसान इस तरह इंगेज नहीं कर सकता, जैसे मैंने बोलते हुए फौरी तौर पे एक ऐसी बात छेड़ी जो आपके इंटरेस्ट की थी और आप इंगेज हो गए। मेरी यूनिवर्सिटी कोई लड़की नहीं पढ़ती थी, वहाँ सिर्फ लड़के पढ़ते थे। अच्छा चलें आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर इसका मतलब ये है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियसनेस है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। आप रिटन में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहते हैं और ओरल में आपके अंदर स्पॉन्टेनियसनेस पाई जाती है। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए, सवाल ये है आपके साथ, शाबाश, द क्वेश्चन इज दिस, बताइए अमंग द गिवन ऑप्शन विच वन इज नॉट फीचर ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, जो रिटन कम्युनिकेशन का फीचर नहीं है। जी शाबाश जी भट्टी साहब, इसका जवाब दीजिए, इरफान तारिक, अब्दुल रहमान, मोहम्मद आमिर और जी शाबाश। तो यू सी डी, ऑन द गो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। रिटन में फौरी तौर पे कहाँ मालूमात होती है, उसमें तो सोचा जाता है, ये लैप्स ऑफ टाइम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इनफ्लेक्सिबल होती है, लेस पर्सनल होती है, लेकिन फौरी तौर पे बातों के जवाब कहाँ मिलते हैं इसके अंदर, तो लिहाजा ये वो बात है जो कंसर्न नहीं थी लेकिन कह दी गई। दूसरा, ड्यूरिंग कम्युनिकेशन ऑन एन ओरल मैसेज शुड बी प्रेफर्ड टू अ रिटन वन व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज टू, हमेशा जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो ओरल मैसेज को प्रेफर करते हैं रिटन पे, कैसी सूरत में,
लॉ की सूरत में तो, लीगल मामले में तो बिल्कुल हम नहीं चाहते कि हम ओरल कम्युनिकेशन का सहारा लें, ठीक है। अगर ये फाइनेंशियल डाटा है तब भी ओरल कम्युनिकेशन काम नहीं करेगी, उसके लिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, ठीक है। अनडिज़ायरेबल इमोशन है, मिनिमाइज कर रहे हैं तो तब भी रिटन है, मैक्सिमाइज करने हैं तो ओरल, मिनिमाइज करने हैं तो रिटन। भाई रिटन में जज्बात नहीं ना होते तो रिटन में जज्बात मिनिमाइज हो जाते हैं, क्या ख्याल है। मॉडिफाई ए प्रपोजल डेट मे नॉट बी एक्सेप्टेबल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जब हमें किसी मीटिंग के दौरान एक प्रपोजल या एक ऑप्शन किसी को देना हो और वो दूसरे के लिए काबिल कबूल ना हो या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करनी हो, तो ऐसी सूरत में हम ओरल कम्युनिकेशन को प्रेफर करेंगे रिटन पे, क्या ख्याल है बच्चों। जबकि रिपोर्ट जो है वो स्पेसिफिक है, लॉ की रिक्वायरमेंट तो रिटन होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती ही रिटन है बी ऑप्शन, और इमोशंस को मिनिमाइज करना है तो वो रिटन में हो सकते हैं, ओरल में कहाँ जज्बात मिनिमाइज होते हैं, ठीक हो गया बच्चों। चलिए अब यहाँ तक समझ आ गई कि रिटन और ओरल कम्युनिकेशन में फ़र्क क्या। अब चलते हैं एक लंबी कहानी की तरफ, और वो लंबी कहानी है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। लेकिन उससे पहले ये इंश्योर कर लिया जाए कि आपको ये समझ आ गया है इतना हिस्सा, तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्या ख्याल है बच्चों, डू यू अंडरस्टैंड इट।